भारत एल्युमिनियम कर्मचारी शिक्षण समिति इंटक बालकोनगर द्वारा संचालित बाल सदन उच्चतर माध्यमिक स्कूल का 33वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री रमेश नायर थे। उन्होंने स्कूल प्रबंधन समिति और विद्यार्थियों को उपलब्धियों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री रमेश नायर ने देवी सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाल सदन स्कूल के वार्षिक समारोह में श्री रमेश नायर और अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छों से किया गया। श्री रमेश नायर ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्कूल द्वारा विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देकर उनके उज्जवल भविष्य का आधार तैयार किया जा रहा है। ये बहुत गर्व की बात है कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव चल रहा है इंटेक की ओर से और जो पदाधिकारी है यहाँ पे एंड बालको को खुशी होगी कि और इसको सपोर्ट करें। हम लोग भी थोड़ा अपनी तरफ से पर्सनल डोनेशन भी करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव हो रहा है बालको में जहाँ बच्चों की एजुकेशन हो रहा है। सो वी विल सपोर्ट फर्दर फ्रॉम ऑफिशियल एंड फ्रॉम पर्सनल लेवल एंड मैं दरख्वास्त करूंगा श्रीवास्तव जी को स्कूल मैनेजमेंट से बात करके और कैसे इसको हेल्प किया जाए और कहाँ कहाँ हम लोग आपको मदद कर सकते हैं वो हम लोग करते रहेंगे और हमारी इच्छा कि ये स्कूल का स्ट्रेंथ 1000 बच्चों तक पहुंच जाए एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल द टीचर्स एंड स्पेशली प्रिंसिपल मैडम कि टीचर्स आर ऑलवेज शेपिंग द फ्यूचर। बच्चों का फ्यूचर जो शेप करने वाला है वो टीचर्स हैं। 95% मार्क्स भी मिले हैं बच्चों को यहाँ से स्टेट लेवल में 11th रैंक मिला है। बहुत अच्छी बात है एंड बहुत गर्व की बात है एंड डेफिनेटली मैं टीचर्स को सब टीचर्स को बहुत क्या बोलते हैं हार्ट फेल्ट कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ एंड बच्चों को बोलूंगा कि स्टडी वेल, यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन एंड डू वेल। थैंक यू। विद्यालय के प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह ने कहा कि 33 वर्ष पूर्व ज्ञान की जिस ज्योति को प्रज्वलित किया गया था उसे अखंड रखने में बालको का अनवरत सहयोग महत्वपूर्ण है। निःशुल्क विद्या दान की जो साहसिक जिम्मेदारी भारत एल्युमिनियम कर्मचारी शिक्षण समिति ने ली है वह बालको की मदद से निरंतर पूर्ण हो रही है। कार्यक्रम में बालको के सामुदायिक संबंध प्रमुख श्री बी के श्रीवास्तव, बालको के प्रशासन महाप्रबंधक कर्नल डी एस भाटी, स्कूल संचालन समिति के कोषाध्यक्ष श्री आर के नामदेव, सदस्य श्री ए उपाध्याय तथा विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती तृप्ता कमठान मौजूद थी। श्री आर के नामदेव ने वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति दी। श्रीमती कमठान ने स्वागत उद्बोधन में स्कूल की उपलब्धियों का श्रेय बालको प्रबंधन के सहयोग को दिया। श्री नायर, श्री भाटी, श्री श्रीवास्तव एवं अतिथियों ने शैक्षणिक एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। कक्षा छठी में विवेक के पिता भूपेंद्र साहू 95.26%। इसके पश्चात कक्षा आठवीं में कुमारी प्राची मित्रा, कक्षा नौवीं में कुमारी नेहा सोनी प्रथम स्थान प्राप्त किया। केवल अपने विद्यालय में नहीं बालको नगर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा बारहवीं से कक्षा बारहवीं की कुमारी आशा चौहान ने प्राप्त किया है। बच्चे जोरदार तालियों से उनका सर दिगंबर सर इन सभी ने समस्त गतिविधियों को देखकर और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के बोर्ड के साथ हाय हाय
से रागनी महन। बच्चे जल्दी से स्टेज सामने सामने देखेंगे। हिंदी दिवस पर आशा परवीन केजी वन से कविता प्रतियोगिता में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत विद्यार्थियों ने कर्मा, भांगड़ा, तमिल नृत्य, राजस्थानी नृत्य, गरबा के अलावा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। माया दिलोर माया।